हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस वापसी कर रही है। मतदान के बाद जारी किए गए तमाम एग्जिट पोल्स ने यह अनुमान लगाया है। इस बीच हरियाणा में सीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा एक्टिव हो गए हैं। नतीजे घोषित होने से पहले जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली पहुंच गए, तो वहीं एग्जिट पोल के बाद कुमारी शैलजा का एक और बयान सामने आया है। नतीजों की घोषणा से पहले सोमवार को उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए दावा कोई भी कर सकता है, लेकिन इसका फैसला आखिरकार पार्टी आलाकमान को ही करना है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आलाकमान पार्टी के हितों को भी ध्यान में रखते हुए फैसला करेगा और यह निर्णय सभी को स्वीकार्य होगा। कुमारी शैलजा के अनुसार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा और प्रचार अभियान से प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। इसका असर है कि कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस को 90 सदस्य विधानसभा में 60 से भी अधिक सीटें हासिल होंगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से जुड़े सवाल पर सिरसा से लोकसभा सदस्य शैलजा ने कहा कि दावा चाहे कोई भी करे, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का फैसला आला कमान ही करेगा, क्योंकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चयन की एक प्रक्रिया होती है। यह पूछे जाने पर कि क्या इस प्रक्रिया में कुमारी शैलजा भी शामिल हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला भी आला कमान ही करेगा। इससे पहले दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने एक बयान के जरिए ये मैसेज दिया कि वे मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए पूरी तरह से मैदान में हैं। दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे ना तो टायर्ड हैं और ना ही रिटायर्ड। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने जा रहे हैं, जिसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।